आज की चर्चा का विषय रहेगा रॉगिंग क्या है, रॉगिंग कैसे करते हैं, रॉगिंग कौन कौन सी स्टेज पर करते हैं और रॉगिंग क्यों करते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं रॉगिंग क्या है। व्हाट इज रॉगिंग? रिमूवल ऑफ द ऑफ टाइप प्लांट्स फ्रॉम ए सीड क्रॉप और सीड फील्ड, दैट इज कॉल्ड रॉगिंग। इट मीन्स बीज फसल से ऑफ टाइप प्लांट्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लॉगिंग कहते हैं। अब ये ऑफ टाइप प्लांट्स क्या हैं? ऑफ टाइप प्लांट्स का मतलब होता है कि बीज फसल से भिन्न लक्षण प्रदर्शित करने वाले पौधे, जैसे कि गेहूं के सीड प्रोडक्शन की केस की बात करें हम, तो गेहूं का सीड प्रोडक्शन हम किसी भी वैरायटी का सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल HD3086 का हम सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि यदि HD3086 के अलावा HD2967 के यदि पौधे हमारे फील्ड में हैं तो हम उनको ऑफ टाइप प्लांट्स कहेंगे, या HD3086 के ही ऐसे पौधे हैं हमारी वैरायटी में या हमारे फील्ड में कि वो हमारी वैरायटी से डिफरेंट हैं, यानी पौधे ऊंचाई में या फ्लावरिंग टाइम में वेरिएशन है या मैच्योरिटी टाइम में वेरिएशन है या और भी किसी ट्रेट में यदि वेरिएबिलिटी है तो उन पौधों को हम ऑफ टाइप प्लांट्स कहते हैं और उन पौधों को निकालने की प्रक्रिया को हम लॉगिंग कहते हैं, यानी भिन्न लक्षण प्रदर्शित करने वाले पौधों को सीड फील्ड से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम रॉगिंग कहते हैं। अब ये ऑफ टाइप प्लांट्स हमारे सीड फील्ड में आते कहाँ से हैं, इनका सोर्स क्या है? तो पहला सोर्स है कि जो हम वैरायटी रिलीज करते हैं या वैरायटी रिलीज होती है, उस वैरायटी में जो हेटरोजाइगस कंडीशन में यदि कोई रिसेसिव जीन है तो वो रिसेसिव जीन नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस होकर के हमारी फसल में वेरिएबिलिटी क्रिएट कर देगा और ऑफ टाइप प्लांट्स हमारे डेवलप हो जाएंगे। तो एक तो सोर्स ये है कि रिलीज्ड वैरायटी में कोई रिसेसिव जीन होने की वजह से भी ऑफ टाइप प्लांट्स हमारे सीड फील्ड में आ सकते हैं। दूसरा सोर्स है इसका कि वॉलंटियर प्लांट्स। वॉलंटियर प्लांट्स का मतलब होता है कि जो प्रीवियस ईयर में हमने या प्रीवियस सीजन में जो हमने क्रॉप उगाई है, यदि उसके सीड यदि हमारी क्रॉप में या हमारे सीड फील्ड में आ जाते हैं तो उनको भी हम ऑफ टाइप प्लांट्स कहते हैं। तो ऑफ टाइप प्लांट्स हमारे सीड फील्ड में आने का दूसरा सोर्स है वॉलंटियर प्लांट्स। तीसरा सोर्स क्या है ऑफ टाइप प्लांट्स का? कि आउट क्रॉसिंग। यदि हमने प्रॉपर तरीके से सीड प्रोडक्शन में रॉगिंग नहीं की है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाकर के वो आउट क्रॉसिंग के द्वारा हमारे सीड फील्ड को कंटामिनेट कर देंगे और फिर ऑफ टाइप प्लांट्स नेक्स्ट सेशन में जरूर हमारे सीड फील्ड में उगेंगे। तो ये तीसरा सोर्स है आउट क्रॉसिंग के द्वारा, या आउट क्रॉसिंग के द्वारा जब कंटामिनेशन हो जाता है तो पौधों की फिनोटाइप चेंज हो जाती है, जिसको हम ऑफ टाइप प्लांट्स कहते हैं। अब बात करते हैं रॉगिंग की क्या क्या स्टेज होती है। रॉगिंग की नंबर ऑफ रॉगिंग डिपेंड करती है क्रॉप टू क्रॉप। जनरली फिर भी 2 से 3 रॉगिंग सभी क्रॉप में हमें करनी चाहिए और करते भी हैं। जब सीड प्रोडक्शन हम करते हैं तो 2 से 3 रॉगिंग करते हैं ताकि हमारी वैरायटी यूनिफॉर्म रहे और देखने में एक अच्छी वैरायटी हो और उसका प्रोडक्शन भी अच्छा हो। तो पहली स्टेज होती है वेजिटेटिव या प्री फ्लावरिंग स्टेज, यानी फ्लावरिंग होने से पहले हम एक रॉगिंग अपनी फसल में जरूर करें। दूसरी स्टेज है इसकी फ्लावरिंग स्टेज, यानी दूसरी रॉगिंग हम फ्लावरिंग टाइम पर करें। यदि फ्लावरिंग में वेरिएशन है, 1-2 दिन का वेरिएशन चलता है, लेकिन ज़्यादा यदि वेरिएशन है फ्लावरिंग टाइम में तो उन प्लांट्स को, ये जो अर्ली या लेट हैं, उनको हम उखाड़ करके फेंक देंगे क्योंकि वो ऑफ टाइप प्लांट्स हैं हमारे लिए, जो हमारी वैरायटी को कंटामिनेट करेंगे। तीसरी रॉगिंग हम जनरली मैच्योरिटी स्टेज पर करते हैं, जब हमारी क्रॉप पक करके तैयार हो जाती है तो उस समय करते हैं। उस समय उन पौधों को देखते हैं जो जल्दी पक गए या उन पौधों को हम निकालते हैं जो लेट पकते हैं, क्योंकि हमें यूनिफॉर्म मैच्योरिटी अपनी वैरायटी में चाहिए।
रोगिंग करने का एक तरीका है कि जो भी ऑफ टाइप प्लांट्स हमारे फील्ड में दिखते हैं हम उन पौधों को निकाल करके फेंक दें, उखाड़ करके फेंक दें। या दूसरा तरीका होता है कि उखाड़ के ना फेंकें उन पौधों को, उनकी बालियों को काट दें। जैसे राइस के केस में उसकी पेनिकल को काट दें तो हमारा कंटामिनेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंटामिनेशन नहीं होगा, ऑफ टाइप प्लांट्स नहीं होंगे। या फिर गेहूं के केस में उनकी बाली को काट कर डाल दें, मैच्योरिटी होने से पहले ही काट दें, या फ्लावरिंग टाइम पर उनकी ईयर को हम काट देंगे तो कंटामिनेशन होने से बच जाएगा और ऑफ टाइप प्लांट्स हमारी वैरायटी में या सीड फील्ड में नहीं होंगे। अब बात करते हैं कि रोगिंग क्यों करते हैं, रोगिंग करने का पर्पज क्या है। रोगिंग करने का एक ही पर्पज होता है, टू मेंटेन द जेनेटिक प्योरिटी ऑफ द सीड। यानी जिस क्रॉप का सीड हम किसी फार्मर को देना चाहते हैं सीड प्रोडक्शन करके, तो वही सीड उस किसान को पहुंचना चाहिए। ये हमारा पर्पज होता है रोगिंग का। रोगिंग जब करेंगे तो हमारी जो जेनेटिक प्योरिटी है वो मेंटेन रहेगी। जेनेटिक प्योरिटी 100% हो तो और अच्छी बात है, लेकिन 98% और 99% के बीच में हमारी जेनेटिक प्योरिटी सीड में रहेगी तो यूनिफॉर्मिटी भी हमारी फसल में बनी रहेगी। और जब जेनेटिक प्योरिटी हमारी फसल में बनी रहेगी तो पौधे एक अच्छा प्रोडक्शन किसी भी किसान को दे सकते हैं और सीड की क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए रॉगिंग करते हैं। रॉगिंग क्या है, रॉगिंग क्यों करते हैं, रॉगिंग कैसे करते हैं, ये आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रिय व्यूअर्स, इसी प्रकार की जानकारी के लिए देखते रहिए एग्री कोचिंग इंडिया।